सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से आज का मौसम काफी सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है। और आज ना मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग ना दिन की 12 बजे से हो रही है, और वो भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खटाई से, स्वादिष्ट खटाई से, पहाड़ी स्पेशल। तो मैंने बना रखी है खटाई, और हम जा रहे थे आज सुबह में बांझ के लिए। तो मैं घर आई और मैंने ना भात रख रखा है इंडक्शन चूल्हे में, उसके बाद मैंने खटाई बनाई थी। बहुत दिनों से ना खटाई नहीं खाई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज खटाई बनाई जाए। और मेरी मम्मी जा रही है गौशाला गाय भैंसों को पानी पिलाने, और मैं बना रही हूँ खटाई। वैसे बन गई है खटाई। तो यहाँ पे ना भात भी बनके तैयार हो गया है। मैंने मम्मी के लिए भी ना एक कटोरी पे खटाई रख दी है, और भाई तो ले गया है, तो मैं भी अब खटाई खा लेती हूँ। तो दोस्तों ना 2 बजे अभी जस्ट लंच भी कर लिया है, और बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं, और अभी ना घर से धूप भी जाने वाली है, और अभी ना हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। और मम्मी ने यहाँ धूप पे ना चौलाई डाल रखी है, जिसको हमारे पहाड़ों में मारछू बोला जाता है। तो मम्मी ने यहाँ पे एक छन्नी भी निकाल रखी है, तो जो ये चौलाई है ना, तो इसमें ना काफ़ी सारा कबाड़ है, तो इसको ना इस छन्नी से छानेंगे अच्छी तरह से, कुछ इस तरह से, ये देखिए। और चौलाई जो होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है चौलाई के दाने, और इसकी ना रोटी भी बनती है। तो आज हम ना इसका आटा पीसेंगे, अभी तो लाइट नहीं है। तो सबसे पहले ना इस चौलाई को अच्छी तरह से छानेंगे, क्योंकि इसमें देखिए काफ़ी सारा कबाड़ वगैरह भी है, ये देखिए। तो अभी मम्मी यहाँ पे ना चौलाई को अच्छी तरह से छन्नी पे छानने लग गई है। हेलो, कैसे हो आप लोग? हरे राम हरे कृष्णा हरा रमा देव, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो हम मार्चा साफ कर रहे हैं इस जाली से, और अब इसके किले बनाएंगे, और आप लोग वीडियो में बने रहना, और आप लोगों को भी दिखाएंगे क्या बनने वाला है इसका। तो आज इसका हम किले बनाएंगे और चक्की से पीसेंगे, इसका आटा तैयार करेंगे। फिलहाल अभी ये सिर्फ बीज है, वैसे हम इसको बो भी सकते हैं ना मम्मी। तो फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, मतलब इसके खिल्ले बनाएंगे, फिर चक्की पे डालेंगे पीसने के लिए, मतलब चौलाई का आटा तैयार करेंगे। तो मम्मी यहाँ पे लगी हुई है काम पे। और अभी ना मैं मम्मी को कमेंट सुना रही थी, मम्मी की ब्लॉग, मतलब मम्मी ने जो वीडियो डाली थी आज, तो उस पर ना कमेंट आ रखी थी। वैसे तो काफ़ी सारी नेगेटिव कमेंट आती हैं, कुछ तो मैं डिलीट कर लेती हूँ जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि ना मेरी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा जब आप लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हो मेरे ब्लॉग पर हो, चाहे मम्मी के ब्लॉग पर हो। तो मम्मी को बहुत बुरा लगता है, और मुझे भी लगता है। तो मेरी मम्मी ने ना इतनी चौलाई हो कर दी है, छान ली है अच्छी तरह से, अब इसके ना हम खिल्ले बनाएंगे। तो मम्मी ने ना डल्लू चूल्हे पर रख दिया है, और बाहर पे काफ़ी अच्छी आग जल रही है। तो अब यहाँ पे अच्छी तरह से चौलाई को भूनेंगे, मतलब खिल्ले बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। और इस डंडे पे ना कपड़ा बांध रखा है मम्मी ने, और लगातार इस डंडे को चलाते रहेंगे, जिससे जो चौलाई है ना वो जले ना। तो ऐसे खिल्ले बनते हैं चौलाई के, ये देखिए। और ये ना उस टाइम, मतलब फरवरी या मार्च के महीने दिए जाते हैं ना मम्मी, जब फूल देही का त्यौहार होता है, उस टाइम ये बच्चों को दिया जाता है। और जो ये चौलाई के खिल्ले बनाए हैं ना, तो इसको हम रखेंगे इस वाली परात में। तो इतने खिल्ले हमने बना दिए हैं, और आज इसका आटा बनेगा। तो जो ये खिल्ले हैं, इसको हम चक्की में डालेंगे। और कई लोगों का कमेंट रहता है कि आप चक्की को भी दिखाओ। तो चौलाई के खिल्ले बनाने के बाद मैंने यहाँ चक्की में भी डाल दिया है, और ये रही हमारी चक्की। चक्की तो बड़ी नहीं है, छोटी ही है, हमने यहाँ बाहर पर लगा रखी है, और लाइट भी आ गई है अभी। तो बाकी यहाँ पे मम्मी फिर से लगी हुई है चौलाई को छानने पे। तो चलिए जी, चक्की भी लगा दी है यहाँ पे, और अभी मेरी तैयारी हो गई है खेत में गोबर ले जाने की। तो खेत में मुझे गोबर लेके जाना है, और वहीं से मुझे न्यार भी लेके आना है। तो चलते हैं।
तो दोस्तों ना मुझे यहाँ से भरनी है गोबर की खाद को, तो चलिए जी अब गोबर की खाद को भर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इतना बड़ा कट्टा भर रखा है गोबर का और वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। फर्स्ट में तो मतलब ठीक ही लग रहा था यहाँ लाने के लिए खेतों में, लेकिन अब 2-3 दिन ला गई मैं तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है। तो दोस्तों फाइनली मैं ना अपने खेत में भी पहुंच गई हूं और यहाँ हमने ना गेहूं की खेती हो गई और सरसों की खेती कर रखी है। तो देखिए गेहूं के बीच में भी सरसों के पौधे हैं और यहाँ नीचे एक छोटा सा खेत है जहाँ सिर्फ सरसों बो रखा है। और यहाँ से खेतों का जो व्यू है वो काफ़ी प्यारा है, गेहूं और सरसों की सार है। और हमारा जो खेत है वो वहाँ से लेकर और यहाँ तक है, देखिए इतना बड़ा खेत है हमारा। और आजकल जो पहाड़ है ना वो भूरे भूरे से हो गए हैं, क्योंकि ना पहाड़ पे जो घास था वो भी सूख चुका है। तो इस कट्टे पे ला रखा है गोबर, तो ना अच्छी तरह से यहाँ नीचे डालूंगी मैं गोबर को, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले खेत में उधर से लेकर और इधर तक तो मैंने गोबर डाल दिया है। और यहाँ एक छोटा सा खेत बच रखा है जिसमें हमने सरसों की खेती कर रखी है, तो यहाँ पर डालूंगी ये खाद। और खाद भी ये है, और कच्चा लिया दूध नहीं डालते हम खेतों में, ज्यादातर ये वाला खाद डालते हैं। जो खाद मैं लाई थी ना वो मैंने खेत में डाल दिया है। जिस खेत में मैं गोबर लेके आई ना, तो मैंने पूरे खेत में गोबर डाल दिया है। हमेशा एक एक दो दो कट्टे लेके आई हूँ मैं इस खेत में, तो कंप्लीट हो चुका है। और अभी मुझे ना यहाँ से ले जाना है न्यार, और चूहों ने देखिए न्यार को कैसे कर रखा है काट के, देखिए कुछ इस तरह से कर रखा है न्यार को काट के। तो यहाँ पर डाल रखा था हमने 29 के पेड़ पर न्यार, तो मैं 2 पूली ले जाऊँगी सिर्फ न्यार की। ये देखिए एक पूली तो मैंने यहाँ पे निकाल दी है, अब दूसरी पूली निकालूंगी। और देखिए ऐसे कर रखे हैं, न्यार भी काट के ऐसे कर रखा है चूहों ने। तो इस न्यार को मैं ना रस्सी पे लगाऊंगी, छोटी सी भारी लगाऊंगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए जी एक छोटी सी भारी लगा दी है, तो अब चलते हैं घर। और सामने जो ये पेड़ है ना माल्टे का, तो इस पे ना पत्ते कम और देखिए माल्टे काफ़ी सारे हैं। और हमारे गांव के जो माल्टे होते हैं ना तो वो काफ़ी रसीले होते हैं। तो दोस्तों जो मैं न्यार लाई थी वो मैंने गौशाला के अंदर रख दिया है, बाकी अभी शाम का टाइम है तो भैंसों को ठंडा लग रहा है, तो गाय तो मैंने अंदर बांध दी है, बाकी अब भैंस और मैं दोनों भैंसों को अंदर बांधूंगी। तो चलिए जी जब तक मैं ना गोबर डाल के आई, तो मम्मी ने यहाँ पे चौलाई का आटा भी तैयार कर दिया है, तो कुछ इस तरह से होता है चौलाई का आटा। तो दोस्तों चलिए जी बाहर अंधेरा भी हो गया है, गाय भैंसों को अंदर भी बांध दिया है और भैंस से दूध भी निकाल दिया है, अब ना डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज डिनर में बनने वाली है ये पालक की सब्जी, तो आज सब्जी बनेगी हरी सब्जी। तो चलिए जी सब्जी काट लेते हैं, और सब्जी काटूंगी मैं आज थाली पे नहीं काटूंगी, आज काटूंगी कढ़ाई पे। तो ये रही थाली पे पालक, तो पालक काटूंगी मैं आज। काट दिया है, और आज मैं हरी सब्जी में आलू भी डालूंगी। तो ये हैं घर के आलू, तो इसको मैं अच्छी तरह से धोऊंगी फिर काटूंगी।
दोस्तों मैंने यहाँ पे ना सब्जी भी काट के तैयार कर दी है और आलू भी काट दिए हैं और बाकी यहाँ पे अच्छी आग भी जला दी है और कढ़ाई भी चूल्हे में रख दी है और तेल भी और तड़का भी डाल दिया है मैंने। तड़के में मैंने डाला है जीरा हो गया और धनिया। तो अब मैं डालूंगी इसमें आलू और इसमें डालूंगी एक चम्मच नमक की, तो बहुत है। अब लगातार सब्जी को चलाती रहूंगी। लगातार कड़छी चलाने के बाद इसमें मैं डालूंगी हरी सब्जी लगातार कड़छी चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे मिर्च। तो इतना मिर्च बहुत है, वैसे तो हरी सब्जी में मिर्च पड़ती नहीं है लेकिन आलू के साथ तो डालना ही पड़ेगा, तो मिर्च भी डाल दिया है। तो अभी हम ना पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारा पानी है हरी सब्जी में। चलिए जी, रात का डिनर भी बनके तैयार हो गया है और मेरे लिए भी गर्मा गर्म डिनर परोस दिया है। डिनर में मैंने बना रखा है पालक आलू की सब्जी हो गई और साथ में है गेहूं के आटे की रोटी। तो गर्मा गर्म डिनर कर लेते हैं। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।